पाली में शराब के नशे में एक युवक ने पड़ोसी पर सरिये से हमला कर दिया। इससे पड़ोसी महिला के दांत और नाक टूट गई, वहीं उसे बचाने आया पति भी घायल हो गया। दोनों को इलाज के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना पाली शहर के जोधपुर रोड चिमनपुरा में मंगलवार देर शाम को हुई। 42 वर्षीय तोलाराम भील ने बताया कि वो किसी काम से मोहल्ले में गया हुआ था, उसकी पत्नी घर में थी। आरोप है कि इस दौरान पड़ोसी मुकेश नशे में अपने घर की छत पर खड़े होकर गालियां दे रहा था। इसी को लेकर उसकी पत्नी ने उसे टोका। इससे नाराज होकर मुकेश सरिया लेकर उसके घर पहुंचा और उसकी पत्नी कुछ समझती उससे पहले ही सरिये से उसके मुंह पर जोरदार वार कर दिया। हादसे में उसके 3 दांत और नाक टूट गई, जिससे खून बहने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वो घर पहुंचा तो आरोपी ने उसके कार पर भी सरिया मारा और भाग गया। दोनों घायल पति पत्नी को मोहल्लेवासी इलाज के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लेकर गए, जहां दोनों का इलाज किया गया। राजस्थान स्टेट ब्यूरो चीफ भवानी सिंह चारण की रिपोर्ट।